सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर उतरे सड़कों पर, कर रहे सरकार खिलाफ प्रदर्शन। मध्य प्रदेश शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने मंगलवार को न्यायोचित मांगों को लेकर सौंपा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता व पदोन्नति को लेकर की मांग, तीन चरणों में किया जाएगा मांगों को पूरा। अधिकारी व कर्मचारी है आक्रोश में, मांगे नहीं माने जाने पर किया जाएगा प्रदेशव्यापी आंदोलन। दरअसल मंगलवार के दिन मध्य प्रदेश शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ ने न्यायोचित मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां तीन चरणों में मांगों को पूरा किए जाने के लिए अपर कलेक्टर को आवेदन दिया। आंदोलन कर रहे अधिकारी व कर्मचारी संघ ने वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता व पदोन्नति को लेकर अपनी मांग रखी, जहां पर मध्य प्रदेश शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों ने सरकार खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित अधिकारी व कर्मचारियों ने आधे घंटे तक प्रदर्शन जारी रखा। प्रांतीय अध्यक्ष निर्मल कुमार ने बताया कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है, लगातार कर्मचारियों पर अत्याचार कर रही है। पिछले दो साल से हमारे इंक्रीमेंट व डीए रोक रखे हैं। इंक्रीमेंट जब रोका जाता है, जब हमने कोई गलती की हो। लगातार शासन की सभी योजनाओं पर कार्य चल रहा है, केंद्र के समान हमें वेतन मान नहीं मिल रहा है। इस संबंध में कर्मचारियों में घोर आक्रोश है और हम अपना आंदोलन छेड़ चुके हैं। इससे संबंध में पहला ज्ञापन था, आगे चलकर हड़ताल भी होगी। देवास से रेणु उपाध्याय की रिपोर्ट। क्या मांगी थी आपकी? मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्मचारियों पर तानाशाही का बर्ताव कर रही है, लगातार कर्मचारियों पर अत्याचार कर रही है, जिसका भुगतान ये 2018 में भुगत भी चुके हैं। अभी वर्तमान में हमारे कर्मचारियों का इंक्रीमेंट और डीए रोक रखे हैं। शासन डीए इंक्रीमेंट जब रोका जाता है, जब किसी कर्मचारी ने गलती की हो। हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार के कोविड में बहुत अच्छा काम किया है, और आप देखिए लगातार शासन की सारी योजनाओं के लिए भी सरकार अपना काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों का भत्ता बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के इंक्रीमेंट और डीए दो साल से रोक रखे हैं, और केंद्र के समान हमारे वेतनमान नहीं मिल रहे हैं, ना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कोई पदोन्नतियाँ हो रही है। इस संबंध में कर्मचारियों में घोर आक्रोश है और कर्मचारी अपना आंदोलन छेड़ चुके हैं। अब उसी मांग के संदर्भ में आज हमारा पहला ज्ञापन लगा था, आगे जाके हमारा हड़ताल भी होगी। ठीक है, आप सरकार के शासकीय सेवक है, उसके बाद में सरकार विरोधी चल रहे हैं? नहीं, सरकार शासकीय सेवक होना एक अलग बात है। हमने अपने दायित्व पूर्ण नहीं किया होता तो हम शासकीय सेवक नहीं होते। हमने कौन सा पनिशमेंट किया था? सरकार ने हमारे इंक्रीमेंट रोक दिए थे। ये हमारे मूलभूत अधिकार है। सरकार के अपने मूलभूत अधिकार है तो हमारे भी अपने मूलभूत अधिकार है। हमारे मूलभूत अधिकार में सरकार किसी हालत में हमारे इंक्रीमेंट नहीं रोक सकती। हमने कोई पनिशमेंट नहीं किया, हमने कोई अपराध नहीं किया। सरकार हमने शासन की सारी योजनाओं को लागू किया है और हमारे इंक्रीमेंट रोक दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है।